यादगार जो जगह है वो है यू चौतरा। यह चौतरा पे आकर हो मोहनलाल नाई मरहूम चौधरी सुजाउद्दीन ने, हाजी सुजाउद्दीन ने यू हवेली बनवाई ही। शायद शुरुआती शायद यहाँ को कुछ हिस्सा चौधरी भागमल ने बनवाया, पाकिस्तान ना जाने को फैसला लियो। वैसे भी कई सारे हम तो जब भी इतनी पावर इंटरटेन कर रहा अंग्रेजन के टाइम में भी, और बात यहाँ पे भी कलमा है बारीक या में मीनाकारी और नक्काशी करी गई है। और यह को आर्च देखने को मिलेगा, यू जो है इंडो इस्लामिक जो एक भवन निर्माण शैली ही वाक हुई। गली में यही झगड़ा रह करा कूड़ो कसने गिर दी तैयब के साड़ा जुहरू, ऐसी बिजली पड़ी आसमानी के अंदर जो बकरा चौधरी चाहत ने ना सोची होगी हवेली की छत में सो आसमान दिखेगा। मस्जिद के ये ट्यूबर कोई ब्रांड की बियर है नहीं चौधरो, तम शुक्र करो मोहनलाल नाई के जमाने। कहीं और ना, आज हम आए अपने ही गांव में, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपने गांव में अपनी पुरानी हवेली, मतलब जो हमारे पुश्तैनी बाप दादा ने बनाई है उनकी हवेली। वैसे पहले आज हम हैं साथ में हमारे टाइगर, उधर बैठी है निक्की, हाँ ठीक है। ये मस्जिद तो शुरुआत करेंगे, यह यह बंगला, बंगला पे या बंगला को जो सबसे ज्यादा एक यादगार जो जगह है वो है यू चौतरा। यह चौतरा पे आकर हो मोहनलाल नाई पे वासु पहाड़ी सु साइकिल लेके, और ही इन सारे बालकन की लाइन लगा देख रहे एक के बाद एक, वहाँ पे कोई काम ना रहे हो, एक भोंटो सौस्तरा रह हो, और हीन यहीं बैठा कर कूणा से पे, और इतना वो यहाँ पे एक ही कवा पे कटिंग आए करे, वो गांधी जी को बहुत बड़ा फैन हो, देखना में भी गांधी जैसा ही हो, पर मोहनलाल नाई जो ताबड़तोड़ टटली कर रख रहे हो वा दिन वो काबिल तारीफ रह हो, सारे नाच देख रहे वालू तो बड़े बालक ने ढूंढ ढूंढ के भी लाया करे कि आज नाई आएगा बाल बनवाने। एक महीना डेढ़ महीना में वहां को चक्कर लगा करे हो, और वह वही कतलेआम मचाण रह करे हो बालकन की टटली करनी, चाहे कहे की गुमड़ी छिल जाए, चाहे कहे को कुछ भी हो, मतलब वो अपना काम अंजाम दे कर रह करे हो। यह बंगला पे बाद में जितनी जबकि हमने होश है तो हीन ताऊ कमरू रह करे हो वाक हिस्से में हुई ऊपर मास्टर पप्पू को राजकीय आवास हो यू, आखिर तक हमने वही रहे तो देखो हीन। और ये है हवेली जो सबसे बाद में बनाई गई, यू हवेली बनाई ही मेरे दादा ने मरहूम चौधरी सुजाउद्दीन ने, हाजी सुजाउद्दीन ने यू हवेली बनवाई ही। और या से पहले की जो हवेली ही वही हवेली यू वाली, ये पुरानी हवेली, ये हवेली बनवाई ही शायद शुरुआती शायद या को कुछ हिस्सा चौधरी भागमल ने बनवाया, बाद में यू कंप्लीट करवाई ही चौधरी चाहत ने, और ऐसे कहवा के मस्जिद को काम भी चौधरी भागमल के टाइम पे शुरू हुई हो। हालांकि यह बात की मैं कोई तस्दीक ना करूं फैक्ट के साथ, क्योंकि हमने भी ज़्यादा होशना है। और ये जो हवेली है ये हवेली 1947 के आसपास बनी, ऐसे कहवा जब देश को बंटवारा हो रो तो बहुत ओए बिल्ली देख देख वो जा रही दो, कौन सी दूसरी हवेली में जा रही है ये, हाँ ओ बंटवारा के टाइम पे जब लोग इधर उधर भागे दौड़े फिर रहे हैं तो वह दौर में चौधरी चाहत ने पाकिस्तान ना जाने को फैसला लियो। वैसे भी कई सारे आदमी गए भी है हमारे गांव के, इनमें एक हाजी अयूब को भाई गए हो, और एक दो बार ये पाकिस्तान जो जो गए भी है वो मिलके भी आए बसु, शायद वह नाम इनायत खां हो, मेरे बाजी पाकिस्तान जब गए तो ये बस मिल का इनायत खां। तो चौधरी चाहत ने देश छोड़ने को फैसला ना ही लियो कि भी ठीक है हम तो जब भी इतनी पावर इंटरटेन कर रहा अंग्रेजन के टाइम में भी हम तो यहीं रहेंगे ना जाएंगे, लेकिन बाद में हालात ऐसे ऐसे हुए। यह बंगला के बारे में कहवा के जब औरत यहाँ से निकले कर रही पानी वानी लेके या नोहरा पैसे कोई सामान दूध दूध लेके वह आया कर रही तो वो घूंघट करके जाया करी या बंगला के सामने से, पहले ही मेहराबी दरवाजा वैसे ही है या के तीनों आर्च वाले,
अब ये बाद में तो ये थोड़े से ये स्क्वायर कर दिए हैं, तो वो ऐसे कह रहे हैं कि वो इतना अदब करे कि यू पंच और बड़े आदमी इनके बैठने की जगह है, वो रहवा या ना रहवा उनके मूड ही डहलान को भी वो इतना याद अब करा करी। और भाई आजकल तो बैर बनी इनको इख्तियार दे रखो है, एक झूठा मुकदमा लगा दें आदमी कितना ही बड़ो चौधरी हो, रो तो फिर उनके पीछे। तो इतना फर्क है समाज में जब में और अब में। यू जो हवेली को गेट है अभी तो ये हम ताड़ो लग रो है, और यह नजदीक से दिखाऊं हीन एक पटड़ो लगा कर हो, जो हमने जितनी पतो है एक वह पटड़ा पैक है, एक हमारे चाचा फारूक पे बुलेट मोटरसाइकिल ही वो चढ़ा कर ऊपर, सरपंच स्कूटर भी चलाए करे हो तो वहाँ पर स्कूटर रह हो। तो हवेली बनाई ही चौधरी सुजाउद्दीन ने, और वह टाइम पे हम अब तो बाद में, हम तो शायद बाद में ही पैदा हुए होंगे, तो ये जुनेद को नाम लिख रहा है वकील साहब को, 3 जून 1990 शायद वहाँ की डी ओ भी हो सके है। और इन्ना कुंतुम मिनत ज्वाली मीन, ये एक यू लिख रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे यू कलमा लिख रहा है, यहाँ पे भी कलमा है, और ये चौखट है बहुत ही बारीक, या में मीनाकारी और नक्काशी करी गई है, और या को मिस्त्री हो बनाने वाला जो वो हो महमूद शायद अभी भी जिंदा है, वो पुनहाना वाने अपनी रिहाइश कर लिए, वहाँ ने यू बनाया हो ऐसे कह, वहाँ कई महीने लगाए हुआ है यहाँ बनाने में, एक दिन में थोड़ा सा काम करा करे हो, पर करा करे हो क्वालिटी के साथ। ये जो गोखा है हमने खूब होश हमीन में बैठ रह करे पामना लटकाई, और ही नहीं सारो टाइम कटक रहे हो। ये जो आर्च है, आर्च जो है जहां जहां भी आपको आर्च देखने को मिलेगा, ये जो है इंडो इस्लामिक जो एक भवन निर्माण शैली ही वाक हो, यू एक ब्लेंडेड वो है, मतलब जो है ना मिक्सअप रहा है। ये टोडी है, पत्थर की बनी हुई है, ये कहां से इन्हें लेकर आया करे, या शायद हाँ इनके बारे में भी एक है कि यू जो हमारी हवेली है यू एक मिस्त्री हो तुषेणी गांव के नसरू मिस्त्री ने यू बनाई, और मिस्त्री जो है ये कारीगर इनका पहले भी उतना ही नखरा रह गया जितना आज रहे। वहां वो एक दिन में आके हुक्का को ताजा करके एक दो इन टोडीसी ने घड़ा करे हो बनाए करे हो। तो हमारे चाचा रजाक ने जब वो कोई चाखी वाखी चलाया करे हो तो अब चाखी खोटनी आ करी छेणी हथौड़ी चलानी, हाँ बिल्कुल चलेंगे ये को, हाँ बिल्कुल गोलगप्पा खवाएंगे भाई, वो बिरयानी वाले की ठेली है। तो चाचा रजाक ने एक दिन देख के नहीं, और ये दो दिन एक दिन में ही वहां ने 4-6 सही घड़ दिया, तो मिस्त्री नाराज हो गो, वह अपनी हवेली तम आप बना लो, तुम तो आप भूतेर बड़ा मिस्त्री हो, तो ये ऐसा भी मिस्त्री रहे वहां। और ये चीज हमारे ऐसे याद है कि चलती रही जब बात जो कभी सुन लेख रहे। और यू अभी यू है गली, असल में गली ना है, यू है जैसे स्वेज कैनाल है ना वैसी यू एक कैनाल एक टाइप की है, यू मेन रास्ता हो यहाँ से गांव के आउटस्कर्ट कनेक्ट करने को। यू गली इतनी पतली ही पहले, अब तो ना मोरी ओरी कुछ ना कूदा यहाँ में, पहले मोरी इनको पानी कूदक रहे हो, और यहाँ से आगे जो घर की दीवार दिख रही है बिना पलस्तर की, यू ही दादा सुल्तान हर को घर हो यू। या गली में यही झगड़ा रह करा, कूड़ा कसने घेर दियो, नमाजी जा रहा भाई रोक लियो मोरी मत खुदाओ, क्योंकि यू ही रास्ता हो इधर मस्जिद जाने को। तो ऐसे सारे कार्यक्रम चलते रह करे। या हवेली में मेन हिस्सेदारी जो ही चौधरी भागमल, वाके बाद में वाके बेटा हुए चौधरी चाहत, और फिर वाके भाई है ईसा देसा, उनको भी सारा परिवार इधर ही रह करे हो। तो अभी ज्यादा तो खैर हमें भी ना है इतनी जानकारी, क्योंकि इतनो ना है, तो यू हिस्सा जो हो ई हो दादा छुट्टन के हिस्से में, चौधरी चाहत को रियल ब्रदर हो। और यह बंगला कुआ सारे काकी कह करे, तो मतलब कि मौत हुई जबकि थोड़ी सी पतो है ये शायद ना भी। यू मेन एंट्रेंस है हवेली को अंदर को, ई एंट्रेंस है दूसरे साइड को, ही इन यू घर है पुरानो डॉक्टर शरीफ हरन को,
ये भी हमारे ही घर है, यहाँ करीब ही है। यू उधर साइड में हिस्सेदारी ही जो हवेली की, यू ही दादा लल्लू की। ये हमारे दादा कोई भाई हो या शायद चाचा को छोरा हो। और यू हवेली को जो है अंदर को व्यू है। हाँ जी, यहाँ पे हमारी फूपी ही दादा की, हमारे दादा हाजी शुजाउद्दीन की बहन, शायद हूरी की शादी की बात है या हाजियन की, मुझे याद ना है, या शायद वो फाड़ी फूपी जो शादीपुर में भी आई, चौधरी तैयब के साड़ा जुगरू के घर में ही। तो ऐसे फिलहाल कंटेक्स्ट यू है कि शादी के लिए बकरा यहाँ बांध रखे है, और ऐसी बिजली पड़ी आसमानी के अंदर जो बकरा बंधे पड़े वो उनकी मौत होगी, और हवेली में क्रैक आ गो तीसरे फ्लोर, तीसरी मंजिल से लेके और नीचे तक यहाँ तक। पहले एक बार मैं यहाँ में आया थोड़ी यहाँ तक तो यहाँ में मटका से गड़े पड़े दीवारन में, अब तो अंदर को शायद पोर्शन है वहाँ में है, वो डर भी लगे जाने में। मैं तो लाइफ में दूसरी बार यहाँ तक इतना अंदर आया हूँ, और बारिश को सीजन है, कोई भरोसा ना है कहीं से कोई चाम चीड़ और सांप वाप कोई निकल पड़े गिर जाए। यू कभी छत रही होगी चौधरी चाहत ने ना सोची होगी, एक दौर ऐसा आएगा मेरी हवेली की छत में सो आसमान दिखेगा, ऐसा बारिश पैदा होगा मेरे नालायक जिन्हें ना वक है केयर ना करी कई चीज की। तो यहां से भैया अंदर चलेंगे हम। टाइगर चल बेटा ऊपर चल, निक्की आओ चलो ऊपर चलो चलो। शाबाश, यहाँ पे आते ही आपको एकदम वीरानी ही नजर आएगी। यू ही रसोई वह जमाने में, और या के ऊपर हम एक बार वस्सी के साथ आया तो हीन माटी के ट्रैक्टर ठेली बनाए, जोहड़ में से माटी लाया वो कूट पीट के फिर बनाए। देखो जी यहाँ पे सरिया लग रहे हैं, सारा नशेड़ी उन सरिया ने उखाड़ लेगा। ये तो हवेली ना उखड़े उनसे, नहीं हवेली भी ले जा। यह हिस्सा में इधर हमने हाजी गुड्डी को निवास देखो, और हीन ये रह रहे दादा यहूदा और वाके परिवार। अंदर ईंट जमा रखी है बैठने की, तो ये सारी जो हवेली के ये वाले रूम है ये सब गलत एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा, चाहे वो जुआ हो वे सट्टा शराब, सब लोग यहाँ नशा का जो है आदि लोग हैं वो उनको यहाँ जमावड़ा है। हाँ ना निकी, यहाँ ये सारी गंदगी की चीज है। तो अब हम आ गए जी यहाँ पे, यू है टॉप मोस्ट पोर्शन हवेली को थर्ड फ्लोर। यू एकदम देखो तो सरिया ने खोस ले गए, किवाड़ निकाल लिए, और कोई मकान उतना भी वीरान ना हो वे आबाद ना रहने की वजह से, लेकिन एक तो रख रखाव का अभाव, कहीं उतना ध्यान ना दियो कि सब ने अपने अपने बढ़िया घर कोठी बना लिए जाके बाहर, उसी जरूरत ना है इधर आने जाने की, या अनदेखी की वजह से सारी हवेली इनको नाश हो रहा है। उधर जो नई वाली हवेली है वह बारे में तो मैं सुनी है कि दो कमरा इनकी तो छत गिर गया है, बारिश को पानी रुक गो, कोई वहाँ निकाल के ना गए, निकालेगा कोई आवे ही ना है। ये कल दे रखे वो ना तूड़ा उड़ा भर रखे हैं, ये नीचे भैंस बंध रही हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा हो यार, बेहतर जाने हुई क्या वजह है आके गिरने की। निक्की छत पे भी चलेंगे, ये निक्की है रे भाई, इन अब तक तो यही ना पता, ये हवेली भी है गाँव में, अब छत तक ही जाने की चिंता लग रही है। यू मस्जिद है, यह के बाद यू हिस्सा हो
यो एक गांव के बड़े जमींदार हाजी अशरफ की हवेली, हिस्सा या का सारे गिरन लग गए हैं और शायद बेच भी दिया ही उनके वारिसन ने, कई लोग अपना हिस्सा बेच दियो कहीं बेच दियो। पीछे ही हिन हाँ बिल्कुल मौत हो जाएगी अगर कोई गिरो तो। यो गली है जी सीधी पार, आओ अब ऊपर चलेंगे। टाइगर ऊपर राजा, जल्दी आ। ये भैया ऊपर से नजर आ रहे हैं हमारे गांव की मस्जिद के, इधर मस्जिद है और जस्ट इधर दादा लल्लू की छत पे हवेली की पे ये ट्यूबर कोई ब्रांड की बियर है वो पड़ी हैं। तो ये हमारी नस्ल की तरक्की बतावा है कि हमने कितनी तरक्की कर ली है। इधर में कौन से हावी के इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ना है। यू नीचे जो वीरान घर है, यू सरदार सौदान जो है उनके घर हो यूँ, और इधर ये हाजी अशरफ को परिवार हो हवेली में से यहाँ के बस है, यहाँ से भी ये अपने खेत वेतन पे चले गए गांव में छोड़ के। हसन को जो हिस्सा हुआ कि तो छत भी गिर गई, नहीं तो एक वक्त भी आलीशान घर हो। ये दादा सुल्तान के परिवार को हिस्सा है इधर। ये हमारी नई हवेली, हवेली खाब तो ही वीरानी सी है सारी जगह पे। और या के बाद में या के पीछे जो घर हो ये हो आमीना को घर, इनको परिवार तो अभी यहाँ रह हुए है। और फिर मस्जिद, मस्जिद के पीछे जो है यू घर शायद किसको घर, ये शायद हाँ हाजी साहब खां को यू घर हो। वहाँ के बाद में पीछे जो है वो छत दिख रही है, वो अजमत को परिवार यहाँ रह रहा हो, उनकी घर की छत निक्की दीवार से नीचे। टाइगर मजा आया ना भाई, रुको 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 भाई, निक्की दीवार से नीचे उतर। नहीं नहीं दीवार से नीचे उतर, उतरना पड़ेगा। नो 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 उतर, दीवार से नीचे उतरो। नहीं नहीं तम शुक्र करो मोहनलाल नाई के जमाने में पैदा ना हुए, नहीं ये जो लहलहाती जुल्फा ना तेरी ये ढूंढे से ना मिलती। 12-15 साल के होने तक तो बालक ने टटला घुमा कर टटला। टाइगर ओए मोहनलाल नाई के बारे में जान गो ना, आज हवेली देखी और क्या क्या देखो और वह भी दिखाएंगे भाई। निक्की तो छत तो सारी काली हो रही है, यहाँ हवेली के टॉप यहाँ से दीवार में छेद हुए हो, बाद में वहाँ में चूना उना लगा दियो, खैर वो चीज रोक दी गई है। तो आज की गांव की यात्रा यहीं तक।